हेलो प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे। हाइपरलिंक को डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ हाइपरलिंक? हाइपरलिंक इज अ लिंक इज यूज्ड इन एमएस वर्ड टू ऐड आर लिंक इमेजेस आर फाइल्स एंड व्हेन यू क्लिक ऑन अ न्यू डॉक्यूमेंट आर अ न्यू सेक्शन विल ओपन्स। जी दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप लोग किसी भी वेबसाइट को जो है वो विजिट करते हैं तो देन आप लोग वहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ पेजेस का लिंक रिजाइड कर रहा होता है। उस लिंक को, उस पेज को विजिट करने के लिए आप उस पर जब क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाता है। द पर्टिकुलर पेज इज कॉल्ड अ हाइपरलिंक। का जो फ्रंट पेज होता है या जिसको इंडेक्स पेज कहा जाता है वो आपके सामने अपेयर होता है और उसके साथ जितने भी उसके पार्ट ऑफ द पेजेस होते हैं उस वेबसाइट के, वो नॉर्मली थ्रू अ सेपरेट लिंक आपके पास मेन साइट पेज के ऊपर रिजाइड कर रहे होते हैं। तो वन बाय वन जैसे आप लोग उस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली उससे रेलेवेंट पेज जो है वो ओपन हो जाता है। तो सेम इज द प्रोसीजर इज हेयर यूज इन एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल एंड लाइक डैट, ताकि आप लोग किसी और फाइल पेज को जो है उसके साथ लिंक कर देते हैं ताकि अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छे तरीके से जो है वो शो डाउन कर सके। एग्जाम्पल क्या है जी? हाइपर लिंक आर फाउंड इन ऑल वेब पेजेस। आप लोगों ने देखे हुए विजिट किए हुए होंगे वेबसाइट्स। Allowing user to click from one page to another page. The hyperlinks often blue and underline. के नॉर्मली जो है वो ब्लू में होते हैं या फिर आपके पास अंडरलाइन में जो है वो शो डाउन हो रहे होते हैं। How we can apply? There are two methods. One माउस एंड सेकेंड वन इज शॉर्टकट कीज। तो शॉर्टकट की जो है वो वेरी इजी है। जस्ट आपने जहां पर आपने यू वांट टू ऐड हाइपरलिंक जस्ट सिलेक्ट द डिजायर वर्ड, सपोज दिस वन। आफ्टर दैट प्रेस द कंट्रोल के। आई एम गोइंग टू प्रेस द कंट्रोल प्लस के। अगेन नाजरीन देखा कि आपके पास एक नई विंडो अपेयर हो जाती है। उस विंडो में आपने दो चीजें जो है वो नॉर्मली जो है वह सेटल डाउन करनी होती हैं। ठीक है, सबसे पहला एड्रेस कि जो फाइल आप लिंक करने जा रहे हैं वो कहाँ पे रिजाइड कर रही है। सपोज आपके पास जो है यहाँ पर बहुत सारी फाइलें जो आप लोग देख रहे होंगे, तो इसमें से सपोज मैं न्यू वीडियो को क्लिक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपने देखा कि आपके पास वो वेब पेजेस का जो वर्ड्स है वो ब्लू हो गया है और अंडरलाइन हो गया, और साथ में जैसे ही मैं कर्सर उसके ऊपर लेके जाऊँगा हैव अ लुक जस्ट लाइक प्रेस कंट्रोल प्लस क्लिक। कि जैसे ही आप लोग कंट्रोल प्लस माउस का बटन क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके पास अपीयर हो जाएगी। एनीवे हम लोग माउस के थ्रू इसको कोशिश करते हैं इसको अप्लाई करने की। उसके लिए आपके पास जो है वो नॉर्मली फाइव स्टेप्स आर देयर्स। फर्स्ट वन इज सेलेक्ट द डिजायर वर्ड, जैसा कि हमने अभी देखा डिजायर वर्ड को सिलेक्ट किया। आफ्टर दैट मूव योर कर्सर टू द इंसर्ट टैब। उसके बाद आपने इंसर्ट टैब या यू कैन से या मेन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये आपके पास हाइपर लिंक की ऑप्शन अवेलेबल होगी। आपने इस पर क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली वो विंडो अपेयर हो जाएगी, जस्ट लाइक जैसे मैंने पहले जो है आपके सामने किया था कि कंट्रोल के किया तो ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपने जो है उस फाइल का जो है वो सोर्स दे देना है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं विद अ स्पेसिफिक वर्ड। अगेन मैं एक नई फाइल ओपन कर लेता हूं, यहां पर मैं हाइपर लिंक कह लेता हूं, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और उसके बाद मैं जो है वो माउस से जो है वो जाता हूं इधर इंसर्ट टैब के ऊपर। जैसे इंसर्ट पे गया तो ये वाले लिंक्स आ गए हैं। हाइपर लिंक पे क्लिक करें, वही विंडो अपेयर आ गई है। कोई भी आप लोग यहां पर क्लिक कर दें, ओके कर दें जस्ट लाइक। अब इसको आपने एक्सेस करना है तो आपने कंट्रोल प्लस के को जो है वो जस्ट लाइक हैव अ लुक। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट हाइपरलिंक। डोंट मिस टू सब्सक्राइब एंड शेयर।